चलाते चलाते अभी घुस गया था नीचे को, रोड देखो इधर को और साइकिल इधर। तो गाइस जैसे जैसे ये काम खत्म हो रहा है वैसे वैसे। हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली मेरे को कम्युनिटी टैब मिल गया है अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये यूट्यूब पर मेरी छोटी सी अचीवमेंट है जो कि बिगिनर है यूट्यूबर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि हम जो घर बना रहे हैं ना वो घर कितना बन चुका है। तो गाइस जो घर हम बनाने लग रहे थे ना, तो गाइस ये वाला घर है, वो ये है हमारे मामा जी का घर। अगर आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या बना हुआ है अभी तक। देख सकते हैं ऊपर इस तरह से बनाया हुआ है, ये कुछ चैनल बोलते हैं ना, इसके ऊपर पलाई रखेंगे, फिर उसके बाद सरिया, उसके बाद लेंटर पड़ेगा। देख सकते हैं ये तो बनी रूम है, उधर भी रूम है और इधर भी रूम है। तो गाइस यहाँ से नीचे से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खंबा खंबा गाड़ा है ना इसलिए। और मैं ऊपर छत में जाके दिखाता हूँ। फाइनली मैं पहुंच गया छत में, देखो। तो गाइस कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से, देखो छत के ऊपर से। तो गाइस इस बार ना नेपाल आके पूरा बिल्डिंग बनाने का एक्सपीरियंस ले लिया है, ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइम पूरा बिल्डिंग बनाया है, पूरा नीचे जड़ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो गाइस यहाँ से दिख रहा है देखो पूरा, एक दो रूम तीन और ये चौथा रूम, और ये है बीच में गैलरी है जो की 6 फुट का है, और ये जो कमरा का साइज है 11x13 का। यहाँ से देखो इस तरह का दिखता है कुछ छत से व्यू, बट अभी धुंध लगा हुआ है ना तो पछाड़ी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस अभी निकल चुकी है धूप और देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग कितना चमक रहा है धूप में। देख सकते हैं गाइस जहाज उड़ान के लिए रेडी है मेरा, क्योंकि अब जा रहा हूँ मैं हार्डवेयर की शॉप तक, क्योंकि मेरे को लाना है कील। चलते हैं। गाइस देखो मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। तो गाइस 2 महीने हो गए ना, क्योंकि चलाते चलाते तो एक हाथ से भी चलाना सीख गया हूँ साइकिल। पूरा पहले भी आता था, 7 साल पहले सीखा था साइकिल चलाना, बट एक हाथ से नहीं आता था चलाना, क्योंकि कभी कभी चलाता था ना तो सिर्फ 2 हाथ से चलाता था। तो अब देखो गया गया गया। चलाते चलाते अभी घुस गया था नीचे को, रोड देखो इधर को और साइकिल इधर। साइकिल एक हाथ से चलाना सीख गया बोल रहा था, अभी तो फिर गिर गया। यहाँ पे थोड़ा रोड खराब है ना, पूरा इधर उधर गड्ढे भी है, देखो पीछे पानी भरा हुआ है, तो अभी ये रोड खराब है इसलिए थोड़ा एक हाथ से चलाने में दिक्कत है। बाकी पूरा जो सीधा रोड होता है ना वहाँ तो मजे से चला लेता हूँ, यहाँ पे नहीं चला लेता हूँ यहाँ, क्योंकि अभी एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन कैमरे का वेट भी तो होता है कुछ। बस यहाँ से ऊपर को है बहुत ज्यादा चढ़ाई, तो हवाई जहाज का भी हवा टाइट हो गया है, इसलिए डोरा के ले जाना पड़ेगा। नीचे सारी चढ़ाई चढ़ लिया, अब बैठेंगे फिर से हवाई जहाज में। तो गाइस फाइनली हाईवे रोड आ गया है, देखो अब मजा चलेगा, हमको जाना है इस साइड को, और देखो ठूलो बस। तो गाइस हवाई जहाज मस्त चल रहा है। तो गाइस फाइनली अपने जहाज में बांध दिया है पूरा कील, देख सकते हैं इधर, और चलते हैं फिर वापस। तो गाइस फाइनली पहुंच गए वापस, तो अब है भात खाने का टाइम। तो गाइस फाइनली देखो इधर पूरा सेटिंग पूरा होने वाला है, इधर देखो यहाँ आधा हो गया है, और देख सकते हैं अभी कितना मस्त वेदर है, धूप लगा हुआ है बढ़िया, और देखो हमारा ओपन किचन, देखो नीचे क्या कर रही है, ये देखो ये कौन इंसान है। तो गाइस जैसे जैसे ये काम खत्म हो रहा है वैसे वैसे हमारा इंडिया जाने का टाइम नजदीक आ रहा है, क्योंकि जैसे ये लेंटर पड़ जाएगा तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा इंडिया, क्योंकि गाइस कमाने के लिए इंडिया ही जाना पड़ता है हम लोगों को। बहुत दुख की बात है, अपनी जगह जमीन घर घूर सब यहीं पर है, बट कमाने के लिए इंडिया जाना पड़ता है, क्या करें, बहुत बुरा लगता है ये देखकर, क्या कर सकते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ना रोजगार इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना डेवलप नहीं है नेपाल कंट्री। तो गाइस अगर आप लोग ज्यादा प्यार दिखाएंगे मेरी वीडियो पर तो शायद मैं ना जाऊँ नेपाल से, आप लोगों को यहीं से वीडियो बना के दूंगा। अपना प्यार दिखाने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।